दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्सियम पर। मैं तो आ जाता हूँ बोलते बोलते, है ना। तो हम लोगों ने चार वीडियो में बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखा था। और पिछला जो लेक्चर हमारा वो खत्म हुआ है, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग के कारण हम लोगों ने बात किया था, है ना। आज हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा देखते हैं कि जितने सारे शेप्स हैं, हम उन सब का एक पोटेंशियल निकाल करके एक वीडियो में समेट देंगे, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, थोड़ा मन नहीं करता है, दिमाग खराब होके रखा है, ठीक है। तो थोड़ा बस चीज़ों को बस देखो और मजे लो, और क्या, पोटेंशियल हो गया दिमाग में, है ना जी। कॉपी पेन निकाल लो पूरा अच्छे से। पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग को फॉर्मूला भाई अब रटा हुआ रहना चाहिए, है ना। तो पोटेंशियल कैसे, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है, पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू अपॉन, है ना, आर हो जाता है, या फिर किसी भी जगह पे अगर बात कर लो ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हमारा पोटेंशियल आ जाता है। ये तब आता है जबकि हमने मान के रखा है इन्फिनिटी पर जीरो है, ये भी याद रखो। ये तब हमने मान के रखा है कि जब पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो है, है ना। ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए, क्या आती है तभी तो ये है। यानी कि इस पॉइंट चार्ज के कारण, अगर इस पर यहाँ पर चार्ज हमने क्यू दिया हुआ है, तो इसके कारण किसी आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या बनेगा, के क्यू अपॉन आर, तब बनेगा जबकि हमने इन्फिनिटी को रेफरेंस मान के रखा है, इज इट ओके। दूसरा चीज हम लोग सीखे है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला इसी का यूज करेंगे और आज बहुत सारा जगह पे, ठीक है। डेल्टा वी इक्वल टू हम लोग सीखे थे कि माइनस में ई वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर, यानी कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन पता हो तो हम उसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे आर वन पोजिशन से लेकर के आर टू पोजिशन तक, तो हमको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ जाएगा, है ना, सॉरी पोटेंशियल का चेंज आ जाएगा। और अगर हम इसको चार्ज से मल्टीप्लाई करते पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा इधर भी और इधर भी। तो यहां पर अगर चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, Q डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस में Q टाइम्स ऑफ, है ना, माइनस में Q टाइम्स ऑफ E वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर। और Q इंटू E क्या फोर्स हो जाता है, तो माइनस में ये हो गया F वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर, इधर हो जाएगा हमारा Q डेल्टा V को लिख सकते हैं ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये हम लोग यहां से स्टार्ट ही किए थे, यहां से यहां पहुंचे थे। हमारा आज का जो पूरा का पूरा लेक्चर इसके अराउंड घूमेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्हें हर एक शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है, यानी कि हॉलो स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, रॉड है, सिलेंडर है, सीट है, उनके लिए ये लेक्चर है। यानी कि सबको पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना भी सारा फॉर्मूला था पहले वो एक बार कॉपी में नोट करके बगल में रख लो, हम भी ट्राई करते हैं, आज हम सारा तो लिखेंगे। लेकिन हाँ, ये बात तो तय हो जाना चाहिए कि तुम लोग को भाई उतना आता है तभी आगे की चीजों को स्टडी करना है, कोई दिक्कत है, नहीं आता है तो एकदम कोई फायदा नहीं है यहाँ पर से स्टडी करने का। सीधा जाओ प्ले लिस्ट में, ढूंढने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्ले लिस्ट है, 16-17 वीडियोज हैं उसमें, देख लो पहले, और क्या कर सकते, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले यहां से आता है, ये हमारा आज का बेसिक फॉर्मूला, इस पर हम बात करते हैं, कॉपी कर लो छोटा सा लिखे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, है ना, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे हॉलो चार्ज्ड स्फेरिकल सेल का, या फिर सॉलिड मेटल स्फेरिकल सेल है, दोनों एक ही है। हम पहले बता चुके थे अगर कोई भी सॉलिड मेटल है तो उसके अंदर में चार्ज नहीं रहता है, और अंदर में अगर चार्ज नहीं रहता है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाता था, याद है ना, इनसाइड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ एनी मेटालिक कंडक्टर वो हम लोग कितना बार सीख चुके हैं ना, ये जीरो हो जाता है। और सरफेस पर अगर मान लेते इसका रेडियस आर है, इसके सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, ई एट सरफेस, याद है, वो था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और बाहर में ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था ना, इसलिए अगर हमने एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, है ना, इस पर अगर हमने चार्ज Q रखा हुआ है, इसके कारण बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो बन जाता है वो जाता है हमारे पास के क्यू अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर, है ना, ये हम लोग सीख चुके हैं, इज दैट ओके। तो हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमको पता है, हम पोटेंशियल निकालने वाले हैं इस चार्ज स्फीयर के कारण, अगेन बाहर में, सरफेस पर और अंदर में,
ठीक है, सुनना फिर से, परमेश्वर निकालने वाले हैं कहां पर, बाहर में, सरफेस के ऊपर और अंदर में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह निकाले थे ना, उसी तरह से पोटेंशियल भी हर जगह निकालेंगे, सिंपल, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, कॉपी कर लो जल्दी से, हो गया ठीक। तो सबसे पहला नंबर में हम बाहर में ही बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास यही है एक मेटल कंडक्टर है ना, तो इसके बाद इसके बारे में तो यही पता है कि हमको इसके ऊपर सरफेस पर पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और अगर हम कहते कि इसके ऊपर हमने नेट चार्ज क्यों रखा हुआ है, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, और हमको जानना है किसी आर पोजिशन पे पोटेंशियल, यहां पर हमको पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पर, है ना, हम पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। पोटेंशियल निकालने का तो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हम जानते हैं डेल्टा वी इक्वल टू होता है माइनस में ई वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर, लेकिन इसको यूज करेंगे कैसे, तो हमको तो भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, यानी कि इसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। अब पोटेंशियल निकालने का इस फॉर्मूले के लिए दिमाग में यह रखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाओ बस। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लस वन चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके हम यहां भेज दिए, इन्फिनिटी से उठा करके, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से उठा करके टी पॉइंट तक लेकर आएंगे। तो इनिशियली था इन्फिनिटी पर, तो पोटेंशियल था जीरो, आर पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। जब हम आ रहे होंगे, तो किसी जगह एक्स पर भी पहुंचे होंगे, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, और हम आ रहे हैं कैसे, इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस में डी आर, ऐसे करके आ रहे ना, ऐसे करके, इज इट ओके। तो ये हम इस तरह से करके बात कर सकते हो, जैसे हम इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो ऐसे ही आ रहे होंगे, ऐसे ही आ रहे होंगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो जितना वर्क करना पड़ता है उसी को कहते हैं हम पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पर इसी का तो निगेटिव भी दिख रहा होता है, यहां पर आ रहे बस, तो क्यों देखो ई उधर है डी आर इधर है, इज इट ओके। तो चलो ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में क्या होता है, जे क्यू अपॉन, हम जब एक्स पोजिशन पे थे, चलो डीएक्स डिस्प्लेसमेंट किए हैं, जब हम एक्स पोजिशन पे थे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स पोजिशन पर, देखो एक्स सेंटर से जैसा एक्स है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हुआ डीएक्स का। आर कहां से रहे, इन्फिनिटी से लेकर के आर पोजिशन तक, तो इन्फिनिटी से लेकर के आर पोजिशन तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहां से के क्यू तो बाहर आ गया, माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स हो जाता है इन्फिनिटी से आर तक। डेल्टा वी की जगह क्या ले सकते हैं, वी एट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी एट इन्फिनिटी माइनस वी एट आर। देखो ध्यान से कि स्टेप को ध्यान से समझना और समझ करके याद कर लो, हर बार यही काम करना। डेल्टा वी बराबर, ये वी बराबर कभी नहीं होता, डेल्टा वी होता है चेंज इन पोटेंशियल। तो यहां पर फाइनली कहां थे, इन्फिनिटी पर, इनिशियली कहां, सॉरी शुरुआत में कहां थे, इन्फिनिटी पर ना, तो फाइनली कहां पहुंच गए, देखो ध्यान से गड़बड़ कर दिए, शुरुआत में हम लोग इन्फिनिटी पर थे, बाद में हम लोग आर पोजिशन में पहुंचे हैं। तो फाइनल, यहां देखो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, नहीं सुन रहे हो, अरे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखेंगे ना जी, तो फाइनली कहां पहुंचे, आर पोजिशन पर, इनिशियल कहां थे, इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो यहां से हो गया हमारे पास के क्यू, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में वन अपॉन आर और वन अपॉन इन्फिनिटी, तो पहले वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन आर करना पड़ेगा, दिस गोज जीरो, इज इट ओके। अब वी एट इन्फिनिटी हमको पता है जीरो हो जाता है, तो वी एट आर माइनस में जीरो, तो वी एट आर पोजिशन पे क्या आ रहा है, देख लो तो के क्यू अपॉन आर आ रहा है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर हम बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में कैसे बिहेव कर रहा था, कि हम बोल रहे थे कि सारा चार्ज कहीं ना कहीं सेंटर पर रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल रहे थे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट हम फिर से बोल रहे हैं कि ये सारा चार्ज हम बोलेंगे सेंटर पर ही है, तो बाहर में नेट पोटेंशियल जो आएगा वो के क्यू अपॉन आर ही आएगा, जो पॉइंट चार्ज अगर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, यानी कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ, सॉरी पोटेंशियल जो आ रहा है वो आ रहा है के क्यू अपॉन आर। तो हम क्या बोलेंगे, बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। दिया हो गया हमारा पहला कंडीशन, पहला कंडीशन कहां पर हम लोग निकाले, क्या ना पहला बोल लो यहां पर केस नंबर वन है ना, आउटसाइड कहां बात की हम,
आउट साइड में हम लोग बात कर रहे हैं और इसके लिए लिख लो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं केस टू के बारे में, केस नंबर टू मतलब कहां पर, एट सरफेस पर अगर हम बात कर रहे हैं, सरफेस पर बताओ आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी चार्ज को उठा करके यहीं पर लेके आते हैं, अगेन स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर दिख जाता, तो पोटेंशियल जो आ जाएगा वो क्या देगा, सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा, एकदम सिंपल हो गया क्या, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बन रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदर में देखते हैं क्या कमाल हो जाएगा, चलो जल्दी से कॉपी कर लो यहां तक, अगर अब हम लोग देख रहे हैं अंदर में, तो अंदर में तो पहले ही जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो हम कह देंगे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, सेम बज रहा है जी, अच्छा ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात को, हम क्या बोलते हैं अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होता है, हम बोलते हैं सारे चार्ज ने भाई अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किया है, ठीक है। तो सिमिलरली अंदर में पोटेंशियल में भी सारे चार्ज का रोल होगा, ध्यान सुनना मेरी बात को लॉजिकली भी, और हम प्रूव करने के लिए एक दूसरा बात भी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का दिक्कत ये है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर कहीं ना कहीं कंपोनेंट वगैरह टूट टाट करके खत्म भी हो जाता है ना, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है। तो पोटेंशियल का दिक्कत ये है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट लाइक द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, अगर एक आदमी पैर बढ़ाएगा तो डिस्टेंस तो कवर होना है, लेकिन वही पैर बढ़ा करके पैर फिर खींच लिया तो बोलेगा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया लेकिन डिस्टेंस हो गया। अगर एक आदमी यहां से चला आगे बढ़ा तो बोलेंगे भाई डिस्टेंस भी कवर किया डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन अगर ये पैर खींच करके फिर वहीं पहुंच गया तो बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया लेकिन डिस्टेंस तो कवर हुआ है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां पर हम प्लस के साथ में माइनस को भी यूज कर रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ जुटता है जैसे डिस्टेंस जुटता है, सिर्फ बढ़ता रहता है, जस्ट लाइक दैट एक पॉइंट चार्ज ने जो भी इस चार्ज ने जो भी पोटेंशियल बनाया होगा भाई दूसरे ने भी तो बनाया होगा, तीसरे ने भी, सब जुटेगा, जुट करके बहुत ज्यादा हो जाएगा पोटेंशियल अंदर में, तो जीरो नहीं होने वाला है, लॉजिक लगा लिए। अब देखते कितना होगा, क्लियर है, समझ में आने के बाद चलो दूसरे के ऊपर बात करते हैं। हमको पता है भाई डेल्टा वी बराबर क्या होता है, माइनस में ई वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर, ये होता है, और हम कह रहे हैं कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो है, तो हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ई बराबर ये भी लिखते हैं माइनस में डी वी अपॉन डी आर, लिखते क्या, अगर हम इस बात से ये भी तो लिख सकते हैं, ये अंदर में बात हो रही है, इनसाइड केस नंबर थ्री लिख लेना, ये है केस नंबर थ्री, अंदर में हर जगह पर अलग अलग डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना, अंदर में हम इसके इससे हम ये वाला डिराइव कर ही सकते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब है कि भी मेरा कांस्टेंट होगा तभी ना उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, समझ में आया बात, फिर सुनना मेरी बात को, हम कर देखो मैथमेटिक्स भी अपने हिसाब से काम कर रहा है, बोल रहे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये कब जीरो होगा जबकि मेरा भी कांस्टेंट होगा, यानी कि वोल्टेज जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा, यहां पर भी उतना ही होगा, यहां पर भी उतना ही होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, यहां पर भी उतना ही होगा, यानी कि हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो है कितना, तो हम बोल रहे जितना यहां है उतना ही यहां पर भी है, यहां कितना है, जस्ट कल बगल में के क्यू अपॉन कैपिटल आर है ना, सरफेस पर पोटेंशियल तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर वाला ही पोटेंशियल हर जगह, यानी कि भी एट सरफेस भी इन साइड जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, वी एट सरफेस आ जाएगा जो कि हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर के बराबर, हर जगह पर पोटेंशियल सेम, कोई दिक्कत है। अब हम बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, तो पोटेंशियल कब जीरो होगा, तो पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होगा जब तक ये चार्ज रहेगा, अगर चार्ज ही नहीं रहे तब पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, अगर चार्ज ही नहीं रहेगा तो वोल्टेज बनाएगा कौन, समझ में आ रही बात। अगर हम कहते हैं आधा चार्ज हम क्यू इधर कर दिया, आधा चार्ज माइनस क्यू कर दिया, तभी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला प्लस पोटेंशियल बनाएगा और माइनस वाला निगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, तब फिर मामला जीरो बन सकता है, समझ में आ रहा है बात।
यानी कि चार्ज प्रेजेंट रहेगा, कहीं ना कहीं पोटेंशियल बनना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वेक्टर इसके कारण हो रहा है, कुछ कंपोनेंट कट जाते हैं इसीलिए जीरो हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, इस पर ज्यादा डिस्कशन करने का फायदा है नहीं अब। तो ये बात तो तय हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर में जीरो है तो भी क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है। अब जिसका वैल्यू कितना है, KQ अपॉन कैपिटल R के बराबर। ठीक है, यहां तक छाप लो यहां तक। अब इसके कुछ ग्राफ देखते हैं ना, जल्दी छाप लो। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा पहला बात कि भी आउटसाइड जो है बाहर में है, KQ अपॉन स्मॉल R, भी एट सरफेस हम लोगों ने देखा KQ अपॉन कैपिटल R है, और भी इनसाइड जो देखा वो है हमारा KQ अपॉन कैपिटल R। अब इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर सपोज करें मेरे पास एक स्फीयर इसी तरह का है ना, हम पोटेंशियल का ग्राफ खींचना चाहते हैं आर के साथ में, तो हम कह रहे हैं कि सेंटर पर कितना पोटेंशियल है, अंदर में ही KQ अपॉन आर है तो सेंटर पर भी नहीं होगा, सरफेस पर कितना है, जब आर का वैल्यू आर है या आर का वैल्यू जीरो है, सेंटर हो गया, आर का वैल्यू आर पर भी कितना है, KQ अपॉन आर, यानी कि यहां पर KQ अपॉन आर ही रहेगा अंदर में हर जगह पे, ये कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद 1 अपॉन आर के हिसाब से घट रहा है, तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। ठीक है, यानी कि सरफेस पर कितना आ रहा है, KQ अपॉन आर, अंदर में कितना आ रहा है, KQ अपॉन आर, बीच में कितना आ रहा है, KQ अपॉन आर, हर जगह पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, इसीलिए इसका स्लोप जीरो दिखेगा। जो ग्राफ हम बनाए हैं ये भी और आर के बीच का है ना, और ये एक सिंबॉलिकली हम दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया बात, इनवर्स प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो आते ही ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ ऐसे कुछ खींचा था ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ, अंदर में हर जगह पे जीरो था, सरफेस पर सडनली KQ अपॉन आर स्क्वायर हो गया था, याद है, और बाहर में 1 अपॉन आर स्क्वायर से ये घट रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो गया और ये पोटेंशियल का ग्राफ हो गया है ना। तो चलो कॉपी कर लो इसको। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर है ना। तो इस बार है नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि चार्ज अंदर में है और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखे थे बाहर में, बाहर में तो भाई पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करता है, ये आउटसाइड होता था ना KQ अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, बाहर में उसी तरह से फिर पोटेंशियल भी हम काउंट कर सकते हैं ना, बाहर में अगर हम यहां पर निकालेंगे आर जीरो चार्ज है, अन्यट चार्ज हम कर रहे हैं क्यू है, डेंसिटी रो है, सिमिलरली फिर उसी तरह से इनवर्स लेकर के आएंगे, सॉल्यूशन तो ऐसे ही बनेगा। तो हम कह देते भी आउटसाइड सिमिलरली वही आएगा, KQ अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस हम लोग निकाले थे KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर सरफेस का, तो भी सेम आ जाएगा, भी एट सरफेस क्या आएगा, KQ अपॉन कैपिटल आर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलो दिख रहा है गलती से। ठीक है, तो यानी कि सरफेस तक का तो मामला ठीक है और बाहर भी ठीक है, जो भी टेंशन होगा अंदर में हो जाएगा। हम जानते थे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जो हो जाता है वो होता है रो आर अपॉन 3 epsilon 0, जिसका वैल्यू होता है KQ आर अपॉन आर का क्यूब। ठीक है, दोनों सेम है, रो के जगह पर लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 pi into r का क्यूब, ये यूज किया गया है यहां पर, ये हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी की बात हो रही थी। तो चलो अब इसके कारण, क्योंकि हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में है और पोटेंशियल में किस तरह का वेरिएशन आता है उसको थोड़ा देखना है और याद रखना है, बहुत डेंजर फॉर्मूला आएगा, पूरे 12th का सबसे बाहियात सबसे खटिया फॉर्मूला जो भी यूज में आता है खूब सारा, याद करना है बाबा इसको। ठीक है, पहले यहां से कॉपी कर लो, अब आगे बात करते हैं अंदर में। ठीक है, तो अभी हम लोग निकालने वाले हैं पोटेंशियल इनसाइड है ना, पोटेंशियल कहां निकालने वाले हैं, अंदर में। अंदर में कैसे निकालेंगे, देख काम करते हैं, मतलब हम किसी जगह पर यहां पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इसका वैल्यू है R डिस्टेंस पर निकालना चाह रहे हैं, सेंटर पर नहीं निकाल रहे, किसी R पोजीशन पर निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल निकाल सकते किसी भी जगह पे, एकदम नहीं,
पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं। चलो पोटेंशियल डिफरेंस पता करने का फॉर्मूला हमको पता है, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस में ई वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर, सिंपल है क्या? तो एक काम करते हैं, है ना, ये पूरा का पूरा कहानी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, यानी कहीं पर हम शुरुआत में रहेंगे, बाद में कहीं पहुंच जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, शुरुआत में हम रहते सरफेस पर और वहां से हम पी पॉइंट तक पहुंचते हैं, सरफेस पर रहते हैं पी पॉइंट तक पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी एक्स जगह पर पहुंचे होंगे और यहां पर कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, है ना। किसी एक्स जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ बनेगा, इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक्स जगह पर क्या बनेगा, के क्यू एक्स अपॉन आर का क्यूब, और हम आ रहे हैं उधर से इधर की तरफ, तो डी एक्स इधर बन रहा है, और हमारा मकसद ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में आना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल कंडीशन और ये हो गया इसका फाइनल कंडीशन, ठीक है। तो डेल्टा वी की जगह क्या कर सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू माइनस में ई की जगह पे के क्यू एक्स अपॉन आर का क्यूब इन टू डी एक्स हो जाएगा, और शुरुआत में है कैपिटल आर पे, अब बाद में पहुंच चुके हैं स्मॉल आर पे, शुरुआत में है वी एफ यानी कि स्मॉल आर पे, शुरुआत में है कैपिटल आर पे, के क्यू अपॉन आर का क्यूब निगेटिव के साथ में बाहर आ जाएगा और अंदर में बच गया एक्स डी एक्स कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? फाइनली हम लोग आर पोजिशन पे हैं, शुरुआत में हम लोग सरफेस पर थे, ठीक है, बस इतना ही किया और तो कुछ है नहीं, बाकी के क्यू और आर क्यू तो कॉन्स्टेंट था, इसलिए उसको पकड़ के बाहर निकाल दिए। तो हमको निकालना है आर पर ही, इसका वैल्यू हमको पता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर हो जाता है, निगेटिव ऑफ के क्यू अपॉन आर का क्यूब यहां दिख रहा है और यहां जाएगा एक्स का स्क्वायर बाय टू, एक्स का स्क्वायर बाय टू कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर तक। तो बी एट आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर दिख रहा है, माइनस से उधर चला गया प्लस में, माइनस में यहां हो जाएगा के क्यू अपॉन आर का क्यूब, टू आर का क्यूब आर का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्व करते इसको और बेटर तरीके से, एक काम करते हैं, इसको आर का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, टू आर का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर टू आर का क्यूब आ जाएगा, है ना। तो के क्यू अपॉन आर, है ना, इसको हम कर लेते हैं टू आर स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर, जिससे कि हमारा लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा, माइनस में यहां पर भी आ रहा है के क्यू अपॉन टू आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। तो देख लो यहां पर के क्यू अपॉन टू आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, टू आर क्यूब बाहर आ गया, के क्यू अपॉन टू आर क्यूब बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बचा अंदर में, टू आर स्क्वायर बच गया, ठीक है, माइनस में ये तो पूरा का पूरा, सॉरी टू आर क्यूब एनर्जी, क्या गड़बड़ कर रहा हूं, के क्यू अपॉन टू आर क्यूब बाहर आ गया, तो माइनस में क्या बचा आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में आर स्क्वायर, ये ना बच गया, इज इट ओके। देखो यहां से थ्री आर स्क्वायर दिख रहा है क्या, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो अंदर में हमको पोटेंशियल जो मिल रहा है एकदम याद कर लेना है भाई, इसको 3R का स्क्वायर माइनस में R स्क्वायर, ठीक है। तो पोटेंशियल जो अंदर में आ रहा है वो कुछ इस तरह का फॉर्मूला दिख रहा है अंदर में, ठीक है, क्या दिख रहा है, k अपॉन 2R क्यूब और 3R स्क्वायर माइनस में R स्क्वायर, ये याद रख लो भाई, ठीक है। तो चलो इसके बाद ग्राफ देखते हैं अंदर में क्या क्या, अच्छा नहीं समझ में आया तो फिर सुनो मेरी बात, पहले समझ लो क्योंकि ये पूरा डेरिवेशन ही थोड़ा अच्छा है, इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है, पहले सुनना है मेरी बात को, हम क्या कर रहे थे, हमको इस जगह पर पोटेंशियल निकालना था, ठीक है, समझ में आ चुका है, पहले कॉपी कर रहे इस पेज को, हम तो इसको गंदा करने वाले हैं। हमको हर जगह का पोटेंशियल पता है, स्केच भी हर जगह नहीं जी, देखो हमको निकालना है यहां पर पोटेंशियल, हमको यहां का पता है, ठीक है, सरफेस का पता है, तो वी एट सरफेस क्या बनता है, के क्यू अपॉन आर पता है, हमको यहां का निकालना था। हम एक काम करेंगे, यहां से उठ करके आएंगे, ऐसे ऐसे करके यहां पहुंच चुके हैं, यहां से उठ करके हम यहां पहुंचे, तो जब हम आ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं मतलब रास्ते में ऐसे आ रहे हैं आ रहे आ रहे हैं ना, यहां से आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे यहां पहुंच गए, तो कभी ना कभी एक्स डिस्टेंस पहुंचे होंगे और डिस्प्लेसमेंट हमारा और इधर ही हो रहा है, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर ही हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना है, इधर की तरफ हो जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये बन रहा है एक्स पोजिशन पे, के क्यू एक्स अपॉन आर का क्यूब बन रहा है जो उधर की तरफ बन रहा है, पढ़े ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस चार्ज है बाहर इधर भी बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा है, तो हमको आना कैसे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो डेफिनेशन जो पिछले लेक्चर में दिखाया है उसको याद रखो कि पोटेंशियल का डेफिनेशन दिखाए थे कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लोग मूव करते हैं, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये छोटे छोटे बात जब बोला जाता है उसको यूज करना है डेली लाइफ में, हर बार बात उसको छोड़ो ठीक है। जब आ रहे थे तो बस फाइनली कहां पहुंचे, आर पोजिशन पे शुरुआत में थे सरफेस पर, और टिफिन तो पता था बाकी तो कुछ है नहीं, एक बस कचरा ये आया जिसके कारण से उसको उधर भेज करके सॉल्व करके किए, तो हमको इतना अच्छा सा रिलेशन दिख गया है जिसको याद रखना है ठीक है, एकदम याद रखना है, मतलब कसम खा करके बोल रहे हैं बहुत खराब फॉर्मूला है, याद हो जाए बहुत अच्छा बात है, चार बार पांच बार याद करो बोर्ड में कभी कभी याद आता है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये पोटेंशियल जो आउटसाइड आ रहा है उसका वैल्यू था के क्यू अपॉन आर था, सरफेस पर क्या बन रहा था के क्यू अपॉन कैपिटल आर था, और भी जो अंदर में आ रहा था वो था के क्यू अपॉन 2R का क्यूब, यही ना था जी 3R स्क्वायर माइनस में R स्क्वायर, यानी कि अंदर में भी R पर डिपेंडेंट है। तो हम एक काम करते हैं, V8 सेंटर निकालते हैं, V8 सेंटर निकालते हैं, सेंटर पर निकालने के लिए स्मॉल R का वैल्यू जीरो करना पड़ेगा, स्मॉल R का वैल्यू जीरो कर दो तो देखो क्या बन रहा है, V8 सेंटर बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन 2R का क्यूब इंटू 3R का स्क्वायर, साफ दिख रहा है 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर, है ना, थोड़ा ध्यान से ये सरफेस का पोटेंशियल है ना, तो क्या लिखेंगे 3/2 टाइम्स ऑफ V8, सरफेस जो बन रहा है वो V8 सेंटर दिख रहा है, यानी कि सरफेस से डेढ़ गुना ज्यादा पोटेंशियल हमको दिख रहा है, सरफेस से डेढ़ गुना ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा अंदर आते जाएंगे उतना तो मतलब हमको सारे चारों तरफ से चार्जेस मिलते जाएंगे, तो उन सब का पोटेंशियल हमको और ज्यादा होते जाएगा, और अंदर में पोटेंशियल देखो माइनस में आर स्क्वायर पर डिपेंडेंट है, यानी कहीं ना कहीं इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा, क्या बनेगा, माइनस में आर स्क्वायर तो इन्वर्टेड पैराबोला बनने वाला है, क्या बनेगा, इन्वर्टेड पैराबोला। चलो ग्राफ बनाते हैं, है ना, तो चलो इसको पहले कॉपी कर लो जल्दी से, हो गया कॉपी हो गया ना, चलो हम इरेज करते हैं, तो यही था हमारा, चलो ग्राफ ही ड्रॉ करते हैं, स्फीयर वगैरह नहीं बनाएंगे, आर है हम कह रहे हैं जब सेंटर है ना, सरफेस पर कितना है पोटेंशियल जी पहले ही बताऊं, जब आर है तब कितना है सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल आर है, बाहर में तो भाई ऐसे ही चल रहा था 1/r के हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1/r के हिसाब से घट रहा है, अंदर में दिक्कत क्या है कि अंदर में सेंटर पर पोटेंशियल जो सरफेस उससे भी डेढ़ गुना ज्यादा है, तो अगर हम इसको आधा कर दें तो इतना ही ऊंचा यहां पर पोटेंशियल है, यानी 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, सेंटर पर सरफेस से भी ये एक हुआ और ये आधा हुआ है, डेढ़ गुना ज्यादा, 1.5 टाइम्स ज्यादा, और उसके बाद हमको इन्वर्टेड पैराबोला बनाना, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा हमारा, है ना, तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3r स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर अंदर में, है ना, ये वाला ग्राफ ऐसे इन्वर्टेड पैराबोला जो भी दिखा दे रहे थे, आ गया समझ में, तो देख लो कितना अच्छा सा फॉर्मूला दिख रहा है हमको यहां पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ ड्रॉ कर ही लेते हैं, अंदर में बताए थे आर और ई का, सरफेस पर बताए थे के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर होता है, सरफेस पर कितना होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बाहर में 1/r स्क्वायर से घटता है ना, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली फॉलो करता है ना, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये सब ग्राफ अब याद हो जाना चाहिए पूरे अच्छे से, ठीक है, ऐसे ठीक है, समझ में आई बात, तीसरा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड रॉड, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड रॉड है, इस पूरे पर चार्ज है हमारे पास और इसका चार्ज पर यूनिट लैम्डा दिया हुआ है, हमको निकालना है इसका पोटेंशियल, अब यहां से सारा खेल समझना, क्योंकि चार्ज खुद इनफिनिटी तक जा रहा है तो हम इस बार पोटेंशियल इनफिनिटी पर जीरो नहीं मान सकते,
क्योंकि चार्ज इन्फिनिटी पर जा रहा है, तो वहां पर जीरो हम कैसे मानेंगे, क्योंकि चार्ज खुद जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो यहां पर एक बात तय हो गया कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी है ना, हम रेफरेंस के तौर पर जीरो नहीं मान सकते। लगाना तो हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा वी का वैल्यू, ये तो होता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लगा सकते हैं। लेकिन ये लगाने के लिए हमको डेल्टा भी निकाल सकते हैं, हम कभी भी पोटेंशियल किसी भी जगह पर नहीं निकाल सकते, ये बात तो तय हो गया है। कितने बार बोलेंगे, हमको निकालना इस पी पॉइंट पोटेंशियल जो कि इससे आर डिस्टेंस पर है। तो हम एक काम करते हैं, यहां का पोटेंशियल हम मान लेते हैं कुछ वी नॉट है, मान लेते हैं कि कोई ए पोजिशन पर पॉइंट है जिसका वोल्टेज है वी नॉट, हमको पी पॉइंट पोटेंशियल जानना है, ठीक है, या फिर हम यहां से यहां तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं, और तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो कैसे ऐसे है ना, तो हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, तो हम क्या करेंगे किसी एक्स जगह पर पहुंच जाएंगे, आप तो दोस्ती हो चुका है सबसे, नहीं जी, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट ऐसे आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, लाइन चार्ज करने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, लैम्डा अपॉन 2 बाय एक्स एप्सिलॉन 0 एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है। तो बस पुट कर लो, मेरा काम बनेगा। तो क्या करेंगे, वी एफ माइनस में वी आई करेंगे, माइनस में लैम्डा अपॉन 2 बाय एक्स एप्सिलॉन नॉट इनटू डीएक्स, क्योंकि डीएक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और कहां से कहां तक चल रहा है, इनिशियली ए से लेकर के आर तक, फाइनली पहुंच रहे हैं आर पोजिशन पर, शुरुआत में है ए पोजिशन पे, ठीक है, इक्वल टू माइनस में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, तो बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर में डीएक्स अपॉन एक्स ए से लेकर के आर तक। तो बी एट आर निकालना है हमको, ए पोजिशन का पोटेंशियल हमको पता है, हमने मान लिया है वी नॉट है, माइनस में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है हमको लॉन एक्स ए से लेकर के आर तक। तो यहां से वी एट आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी नॉट माइनस में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉन आर माइनस में लॉन ए, तो वो हो जाएगा लॉन आर अपॉन ए, ठीक है, या फिर बी आर माइनस बी नॉट, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इतना आ जाएगा। इज इट ओके, समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा कहानी, बस यहां पर दिक्कत क्या हुआ कि पोटेंशियल जीरो नहीं मान सकते इन्फिनिटी पर, तो हम इन्फिनिटी चार्ज को भी नहीं लेकर आ सकते, इसलिए हमने किसी जगह पर पोटेंशियल एक गिवन रहेगा, मान लो कि यहां पर का पोटेंशियल दे दे, यहां का पोटेंशियल जहां तक का देगा, फिर वहां से मतलब को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। कॉपी कर लो। तो चलो एक इसी पर एक सवाल भी कर लेते हैं फटाक से, ताकि कुछ चीजें निपट भी जाए, है ना, निपटते जाए छोटे छोटे काम। एक लैम्डा लेंथ का, लैम्डा लेंथ नहीं, लैम्डा चार्ज पर लेंथ का एक रॉड दिया हुआ है, चार्ज रॉड दिया है, एक पॉइंट पी दिया हुआ है जिसका कि सेम डिस्टेंस आर दिया हुआ है, यहां से यहां तक ए दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, बेसिकली ये सवाल है। कहा क्या रहा है यहां पर, एक चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, इसको उठा करके हम यहां से यहां तक लेकर के आ रहे हैं, इस प्लस क्यू चार्ज को यहां से उठा करके यहां तक लेकर के आ रहे हैं, तो कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस चार्ज को उठा करके हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं, हम ऐसे थोड़ा आड़ा तिरछा टाइप का ऐसा नहीं पिक्चर हम बनाए, हम एक काम करते हैं, इस चार्ज को हम ऐसे यहां से तक लेकर आते हैं और फिर यहां से तक लेकर जाते हैं, जितना काम करना पड़ेगा हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। दिक्कत क्या होगा, अगर यहां से तक जाएंगे तो उसमें तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे बनेगा, लेकिन इधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिख रहा है, और हम परपेंडिकुलर वर्क कर रहे हैं, तो ये वाला वर्क हमारा काउंट नहीं होगा। ये सब तो वर्क रेडियस सीखते आए, क्योंकि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क नहीं होगा, इज इट ओके। तो चलो ठीक है, हमको यहां पर जो वर्क डन ए टू बी दिख रहा है, हम इसको लिख सकते हैं क्या, वर्क डन फ्रॉम ए टू पी प्लस वर्क डन फ्रॉम पी टू बी, है ना, दिस गोज जीरो, और इसके लिए क्या करेंगे, वर्क बराबर निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और हमको निकालना ए से बी तक का वर्क, आगे समझ में, यही काम करना है हमको, बेसिकली निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल देना है, ना? या फिर इतना क्यों करना है, वर्क ही निकालना है, ज्यादा टेंशन क्या लेना है। वर्क बराबर क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर वेक्टर होता है, एफ डॉट डी आर वेक्टर हो जाता है,
अब बताओ हम ऐसे आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ऐसे, तो यानी कि जब चार्ज किसी एक्स डिस्टेंस पर होगा और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx से, ऐसे फोर्स लग रहा होगा इस पर ऐसे, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा QE, QE के जगह पे लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई x एप्सिलॉन 0, लिख सकते हैं ना, फोर्स लग रहा होगा ऐसे, डिस्प्लेसमेंट लग रहा इधर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वर्क हो जाएगा निगेटिव, तो माइनस में क्या लिखना पड़ेगा, QE इंटू dx माइनस में q, e की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा अपॉन 2 पाई x एप्सिलॉन 0 इंटू dx, और x का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां था, शुरुआत में कहां है, देखो तो शुरुआत में ये पूरा का पूरा लेंथ कितना है 3r है, अब बाद में पहुंचा 2r पे, सॉल्व कर लेंगे, मेरा काम हो गया, वर्क निकल गया, तो माइनस में q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, यहां से दिख रहा है ln x, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln x, और अपर लिमिट 2r अपॉन 3r हो जाएगा माइनस में, है ना, तो r से r खत्म हो गया, तो हमारे पास हो जाएगा q lambda अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln 3 बाय 2 हो जाएगा, अगर घुमा देंगे तो माइनस यहां पर खत्म हो जाएगा, ये हो गया नेटवर्क डन, दिस इज योर आंसर, ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इस पर काम कर सकते थे, ठीक है, तो एक निपट गया सवाल भी, थोड़ा कॉपी कर लो, है ना, आगे देखते हैं, इस बार कह रहा है पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो चार्ज्ड सिलेंडर, है ना, ये पूरा का पूरा हॉलो है, यानी कि अंदर में चार्ज नहीं है, अंदर में चार्ज नहीं है, तो पहला बात तो समझ में आ ही चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में हो जाएगा जीरो, और पोटेंशियल जो इनसाइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्स्टेंट, अभी सब तो डिस्कशन करने का मतलब है नहीं, जो कि सरफेस के बराबर हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो होगा, ये भी नहीं कह सकते, तो मान लेते हैं, है ना, हमने यहां पर मान लिया कि भी एट सरफेस जो है वो हम इसी को मान लेते हैं, कुछ भी नॉट है, मान लेते हैं सरफेस का पोटेंशियल भी नॉट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सरफेस का भी निकल चुका है, अंदर में डिस्कशन तो हो चुका है, यानी कि सरफेस का पोटेंशियल कितना हो गया, देख लो v नॉट हो गया, हम बोल ही दिए सरफेस का पोटेंशियल v नॉट है, तो वही है जो अंदर में हो गया v नॉट जो कांस्टेंट है, तो जो सारा डिस्कशन बाहर में हो जाएगा, है ना, तो बाहर में हम बात करते हैं किसी p पॉइंट पर r डिस्टेंस पर, है ना, यहां पर इस p पॉइंट पर बात कर रहे हैं r डिस्टेंस पर, यहां पर हमको पता है पोटेंशियल कितना है, ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहीं से चलते हुए अब यहां आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रहा होगा ऐसे, आज वो सुनो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है, तो हम यहीं से चलते हुए इधर आते हैं, तो किसी जगह x पर पहुंचे होंगे, है ना, किसी जगह x पर पहुंचे होंगे, और dx डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा होगा इधर के, है ना, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये बाहर में वो भी निकाल लेते हैं ना, थोड़ा देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड होता है वो तो हम जानते हैं कि इसका लैम्डा अपॉन 2 पाई r, ये तो बिहेव करेगा तार की तरह ही, है ना, ये तो क्या बिहेव करेगा तार की तरह बाहर में, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई x एप्सिलॉन 0, लेकिन यहां पर लैम्डा नहीं दिया, यहां पर सिग्मा दे दिया, तो काम करें क्या कि हम कह देते हैं l लेंथ में जो चार्ज होगा वो रॉड के लिए भी सेम होगा और सिलेंडर के लिए भी सेम होगा, तो हम बोलेंगे यहां पर ध्यान सुनना, तो q फॉर सिलेंडर इज इक्वल टू q फॉर वायर, है ना, इन एल लेंथ, है ना, फॉर एल लेंथ, ठीक है, एल लेंथ मान लेते हैं यहां से तक एल लेंथ है, इसमें जितना भी चार्ज हो जाएगा वो तो सेम होगा, अगर इसको चिपटा कर दें तो एल लेंथ का नेट चार्ज सेम हो जाएगा, तो क्यू फॉर सिलेंडर के लिए बात कर रहे हैं, तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा इंटू एरिया, है ना, तो सिग्मा इंटू एरिया, इसका क्या एरिया, अगर एल लेंथ की बात करें 2 पाई आर इंटू लेंथ, 2 पाई r इंटू लेंथ, देख लो ध्यान से, ठीक है, और चार्ज फॉर वायर के लिए क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू l, सीधा लिखेंगे और कुछ लिखेंगे नहीं, लैम्डा इंटू l, तो यहां से हमको l से r खत्म दिख रहा है, तो हमको लैम्डा का वैल्यू दिख रहा है क्या, सिग्मा इंटू 2 पाई r, यानी कि सिग्मा लैम्डा की जगह पे हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 2 पाई r अपॉन 2 पाई x एप्सिलॉन 0, तो 2 पाई से 2 पाई खत्म आ गया, यहां से क्या सिग्मा आर अपॉन एक्स एप्सिलॉन 0, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड आ रहा है वो दिख रहा है हमको सिग्मा आर अपॉन एक्स एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, सिलेंडर के कारण भी। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो चलो ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा आर इक्वल टू माइनस में ई डॉट डी आर, है ना। तो यहां से जाएगा हमारे पास डेल्टा, है ना ये। अच्छा ठीक है, सॉल्व कर ही लेते हैं यहां से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिख रहा है हमको, सिग्मा आर अपॉन एक्स एप्सिलॉन जीरो इंटू डी एक्स, और कहां से कहां तक चल रहा है, नेगेटिव है ना, कहां से कहां तक चल रहा है, आर से लेकर के एक्स है आर तक, स्मॉल आर तक, स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर तक चल रहा है। यहां से हो गया सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन जीरो और लॉन एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा लॉन एक्स, यानी कि लॉन आर अपॉन स्मॉल आर बन जाएगा ये निगेटिव में। अगर हमको डेल्टा भी पता करना है तो भी कहां पता करना है, भी फाइनली कहां पहुंचा, सरफेस पर, माइनस वी एट आर निकलना है, इक्वल टू क्या दिख रहा है, माइनस में सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और हमको आर पर निकालना था, ठीक सही जा रहा है, एल एन आर अपॉन स्मॉल आर, हम इसको इधर भेज देंगे प्लस में आ जाएगा तो वी एट आर निकल जाएगा, समझ में आ गया। निकाल लो वी एट आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी एट आर पोजिशन क्या आ जाएगा, वी एट सरफेस पर, यानी सरफेस का वोल्टेज तो पता है वी नॉट है, तो वी नॉट प्लस में सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एल एन आर अपॉन स्मॉल आर, दिस इज योर रिजल्ट पोटेंशियल, इज इट ओके, छाप लो। कुछ बहुत सारा चीज इसमें सीखे, कैसे कैसे हम लोगों ने चार्ज को मैनिपुलेट किया है, यानी कि बाहर में हम ये कह रहे हैं कि सिलेंडर का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वायर करंट भी होगा, ठीक है, और फिर हम कैसे सिग्मा को लैम्डा के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी एक छोटा सा चीज यहाँ पर याद कर लेने के लिए है, ठीक है, कॉपी कर लो, आगे देखते हैं। इस बार कह रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फीयर के कारण निकालना चाहते हैं पोटेंशियल इस ओरिजिन पर, है ना, इस जगह पर पोटेंशियल हमको निकालना है, ठीक है, चलो ठीक है देखते हैं। तो देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा चीज है कि पूरे में चार्ज बिखरा हुआ, हाँ हॉलो है ये, सॉलिड नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले कुछ चीज हमको पता है, रिंग के कारण पहले बात कर रहे थे, रिंग का याद है ना, रिंग ऐसे होता है ना, रिंग, ठीक है, और इसका रेडियस था कैपिटल आर, इससे किसी एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाल देते, इस पर चार्ज था प्लस क्यू अगर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पे क्या निकाल देते, क्यू अपॉन दैट मच ऑफ डिस्टेंस आर, है ना, था ये डिस्टेंस आर निकाल देते, क्यू अपॉन आर बनता था, याद है, या फिर क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो इसका यूज होगा, चलो कॉपी कर लो पहले, ठीक है, इसका यूज करेंगे, एक काम करते ये हॉलो है, हमें इसको कुछ पीसेस में काट देते हैं, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको कुछ पीसेस में काट दे रहा है यहां से ऐसे, ठीक है, ऐसे, यानी कि एक रिंग में इसको ऐसे काट दे रहा है, देखो ऐसे से बहुत सारे स्लाइसेस पे कटे चले जाएंगे तो छोटा छोटा रिंग कटते चला जाएगा, है ना। इसका एंगल मान लेते हैं ये थीटा है, इसका विड्थ हो गया डी थीटा, तो हम लोग सब जानते हैं इसका जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा आर डी थीटा, ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा लेंथ है वो आर है, यानी कि अगर ये रिंग है तो जो स्मॉल आर लिख रहे थे वो यहां पर कैपिटल आर दिखेगा, इसका जो रेडियस बनेगा वो हो जाएगा आर साइन थीटा, है ना, ये जो लेंथ बनेगा यहां से तक ये लेंथ क्या बनेगा आर साइन थीटा, और यहां से जो यहां तक का लेंथ बनेगा वो हो जाएगा आर का कॉस थीटा, ठीक है, जो कि अभी एक्स दिख रहा था, ये एक्स की जगह पे क्या दिखेगा आर कॉस थीटा, और इसका रेडियस हो जाएगा आर साइन थीटा, और ये लेंथ हो गया आर। तो अगर हमको इसका पोटेंशियल लिखना है यहां पर, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको पता है, सिर्फ इसका पोटेंशियल, तो हमको कहीं ना कहीं इसका चार्ज लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि हमको यहां पर चार्ज चाहिए, तो जो चार्ज लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, dq इक्वल टू क्या लिखाएगा, सिग्मा इंटू चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, सॉरी एरिया, एरिया में बात कर रहे हैं, चार्ज पर एरिया ही है, एरिया बात कर सकते, इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू dr, यानी कि विड्थ है ना, इसका रेडियस कितना लिखेगा 2 पाई r,
इसका रेडियस कितना, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू विड्थ क्या हो जाएगा आर डी थीटा, ये हो गया इसका चार्ज। ठीक है, अब काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर कर दे, ध्यान सुनना हम क्या बोल रहे हैं। हम लिख रहे हैं पोटेंशियल एट सेंटर, तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या बनेगा, वो जो बनेगा डीवी को इंटीग्रेट करने से बनेगा, छोटा छोटा है ना, डीवी ऑफ इसका रिंग का, रिंग का पोटेंशियल क्या बनेगा के डी क्यू अपॉन आर, क्या लिखाएगा, जिसके जगह पे क्या लिख सकते हैं के डी क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा टू पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा अपॉन स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर, क्योंकि यही था स्मॉल आर जो कि कैपिटल आर दिख रहा है, आ रही बात समझ में। तो ये हो गया के क्यू, इतना आर से आर खत्म हो गया, तो यहां से आ रहा है वन अपॉन फोर पाई आप सेवन जीरो के जगह पे लिख सकते हैं, और सिग्मा ही बाहर ही आ रहा है, टू पाई बाहर आ रहा है, आर बाहर आ रहा है, अंदर बच गया सिर्फ साइन थीटा इंटू साइन, नहीं रे बाबा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, और थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक चलेगा, जीरो से लेकर के पाई बाय टू तक चल जाएगा यहां पर पूरा रीजन। तो यह से टू पाई तो खत्म हो गया, तो क्या बचा सिग्मा आर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा वन, साइन जीरो का वैल्यू सॉरी साइन नहीं होगा, माइनस में कॉस जाएगा, यहां पर कॉस पाई बाय टू यानी कॉस थीटा बनेगा, और उसको जीरो से क्या पाई बाय टू तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं सिग्मा आर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, पाई पुट करेंगे जीरो, वन पुट करेंगे तो यहां वन हो जाएगा, यानी वन बनेगा है ना, जीरो माइनस में वन प्लस वन, यहां से होगा सिग्मा आर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो आ गया वी एट सेंटर। ठीक है, समझ में आ गया बात, अगला देखते हैं फटाक से, मतलब कुछ नहीं किया, छोटे छोटे पीसेस तोड़े, ये सब तो दोस्ती है हमारा बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, इन सब का पोटेंशियल निकालते हैं, और रिंग का कहीं पोटेंशियल निकाल कर जोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिंग्स बनेंगे ऐसे ऐसे करके स्लाइस करते जाएंगे, बहुत सारा रिंग बनेगा, सबका पोटेंशियल को हमने यहाँ पर एड कर दिया है ना, कुछ तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क है ना, एक डिस्क है इसके पूरा पे चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, पूरे डिस्क पे चार्ज फैला हुआ है, और इन सब के कारण पोटेंशियल यहां पर पी पॉइंट पर हमको दिखाना है, जो कि एक्स डिस्टेंस के आगे है। कैसे करें, एक काम करते, डिस्क निकाल नहीं सकते, रिंग काट लेके आओ, समझ में आ चुका है, अब तो तुम लोग भाई मास्टर हो चुके हो ना, खिलाड़ी हो चुके हैं ना, खिलाड़ी भैया नहीं जी, एक्स डिस्टेंस बात कर सकते हैं, एक्स डिस्टेंस पर एक रिंग काटते हैं ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा है ना, ऐसे ऐसे करके जिसका विड्थ कर देते हैं डी एक्स, एक्स नहीं आर मान लेते हैं इसको है ना, क्योंकि इधर एक्स मान चुके हैं, आर लिख देते हैं इसको, और ये विजय डी आर, और रिंग के द्वारा पोटेंशियल को पता है ना, तो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग पता है वो ज्यादा के क्यू अपॉन आर है ना, जो भी आर बनता था, तो यो आर ये बनता था है ना, तो लिख सकते हैं यहां से रूट ओवर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, यहां से लिख सकते हैं इसको बोलते हैं इसका चार्ज डी क्यू। ठीक है, अच्छा डी क्यू क्या बनेगा, डी क्यू क्या बनेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू इसका एरिया, इसका एरिया टू पाई आर इंटू डी आर है ना, तो ये टू पाई आर इंटू डी आर है ना, लेंथ हो गया इसका टू पाई आर, विड्थ हो गया डी आर, डी क्यू बस खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया नहीं, बी एट पॉइंट पी क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ डीवी ऑफ अगेन रिंग, डीवी के जगह क्या लिखेंगे रिंग का के है ना, के डी क्यू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, के डी क्यू जब क्या लिखेंगे सिग्मा टू पाई आर इंटू डी आर अपॉन वही और कुछ नहीं नया आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, यहां से कर ले तो वही है, तो के क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा 2 पाई बाहर आ गया और अंदर में बच रहा है आर डी आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, 2 पाई से 2 पाई तक खत्म हो गया, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 दिख रहा है यहां से,
और अंदर में दिख रहा है आर डी आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कुछ चीज को मान लेते हैं, अब यहां से इसको इंटीग्रेट सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं टी आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर को मान लेते हैं टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे आर में ही वेरिएशन दिख रहा था, यानी टू आर इंटू डी आर, एक्स तो फिक्स है, एक्स तो फिक्स है, यहां से देखा डी, यानी कि आर डी आर की जगह पर इसे डीटी अपॉन टू है ना, तो आर डी आर की जगह लिख सकते हैं डीटी अपॉन टू, हम इसको इरेज कर देंगे, जल्दी कॉपी कर लो इसको यहां से पुट कर दें क्या, तो बी एट पॉइंट पी क्या बनेगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो है ना, आर डी आर की जगह लिख सकते हैं डी टी अपॉन टू और टी यानी रूट ओवर टी दिख रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करने से हमको दिख रहा है यहां से सिग्मा अपॉन फोर एप्सिलॉन जीरो दिख रहा है यहां से, और अंदर में दिख रहा है टी पर पावर माइनस में हाफ इंटू डी टी। ठीक है, टी पावर माइनस में हाफ इंटू डी टी, हम इसको इरेज करते हैं, सॉल्व करते हैं इधर, तो क्या बनेगा यहां से v बराबर सिग्मा अपॉन सॉरी फोर एप्सिलॉन जीरो यहां दिख रहा है t पे पावर हाफ माइनस में हाफ प्लस वन, यानी कि हो जाएगा हाफ बाय हाफ, यानी कि t पे पावर हाफ बाय हाफ, और इससे ये कट जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो दिखेगा और रूट ओवर t दिख रहा है, तो रूट ओवर t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में एक्चुअली लाइट हो गया है कट, तो ध्यान सुनना है मेरी बात को, क्योंकि हम खत्म ही कर देते हैं इसको, एक घंटे से इंतजार कर रहे हैं, कोई उपाय नहीं है, खत्म बैठा रखते हैं, सुनना मेरी बात को बस। तो यहां पर हम लोगों ने आई थिंक यहां तक समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो ध्यान सुनो, ठीक है, यहां तक तो दिखा था ना, तो टी यहां से टू खत्म हो गया, क्या बचेगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो और यहां बचेगा रूट ओवर टी, टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, इज इट ओके, आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, कहां से कहां तक लिमिट चलेगा, अब ध्यान सुनो स्मॉल आर का वैल्यू क्या था शुरुआत में, जीरो से लेकर के आर तक चलेगा, नहीं समझ में आया, यही तक डिस्क ना, ऐसे डिस्क था, स्मॉल आर को हमने काटना स्टार्ट किया सरफेस तक, तो आर ही बनाए थे, तो आर का वैल्यू जीरो से लेकर के ऐसे है ना, यहाँ जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक बढ़ेगा, तो हम इसी को पुट कर देंगे, क्या बनेगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो और बनेगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, अब माइनस जीरो पुट कर देंगे तो सिर्फ बचेगा एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पोजीशन पे इतना आ गया, अगर हम पूछ दें एट सेंटर एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, तो वी बराबर बच जाएगा एक्स का वैल्यू जीरो, यहां पर भी जीरो, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा सिग्मा आर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो आज यहीं पर खत्म करते हैं वीडियो को, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ये बेसिकली पूरे का पूरा टॉपिक था, कवर हो गया, खत्म हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जितने सारे शेप्स थे हम ट्राई किए सारे खत्म कर देने का, अगले से बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे, इन सब के ऊपर सवाल बनाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक जो भी है सब ध्यान।